आ चुके हैं क्लॉक टावर के पास। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं जो क्लॉक टावर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस क्लॉक टावर को विज़िट करने के लिए। और भी मेरे पीछे ये व्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। ये जो रास्ता ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ आती है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे व्यूज़ है, आपको क्लॉक टावर के पास यहाँ पर फोटोशूट करवा सकते हैं। और इसके अलावा बैठने के लिए चेयर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अपोजिट में यहाँ पे कैब पीछे रास्ता है, यहाँ पे आपको कैब मिल जाएगा। जू जाने का रास्ता है, आप जू जा सकते हैं इजली। और ऊपर जो दार्जिलिंग मॉल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और यहाँ की मौसम बहुत थोड़ी ख़राब होती है, आप आएँ तो थोड़ा स्वेटर जैकेट वगैरह लेके आए। ठंडा में तो माइनस में भी चला जाता है कभी कभी। तो अभी फ़िलहाल 6 डिग्री है, और कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, अचानक से बहुत ठंड लग गई। तो अगर आप यहाँ पे आए तो थोड़ा स्वेटर वगैरह का ध्यान रखें, नहीं तो फिर ठंड में बहुत परेशानी होगा आपको। और आज थर्सडे है, और थर्सडे को जू बंद रहता है, यहाँ पे आप नोटिस कर लें, याद रखें। अगर आप कहीं आए तो थर्सडे को जू ना जाए, नहीं तो आप जाके फिर घूम के आना होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दो जू है, दोनों सैटरडे को सॉरी थर्सडे को बंद रहता है, और 8:30 से 4:30 बजे तो खुली रहती है। और यहाँ पे होटल्स है, आप होटल्स ले सकते हैं, और खाने के लिए और ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप 150 में आराम से खा सकते हैं लंच और डिनर। और अभी आगे चलते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं।